అప్పు నేను ఆడపిల్లనంటే సార్, ఇక్కడ ఎవడు బాధ్యత ఆడపిల్ల తండ్రిలా బిహేవ్ చేయట్లేదు. నా దృష్టిలో అప్పు అంటే సెటప్ లాంటిది. ఎందుకంటే हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिल्मी ने हमें। तो दोस्तों, आज हम जो मूवी आपके लिए लेके आए हैं वो है टॉलीवुड की एक मूवी आई है जहाँ तेलुगु लैंग्वेज में। मूवी का नाम है सरकारु वारी पाता जी। और ये मूवी है हर्ष बाबू की। ये एक्चुअली हर्ष बाबू वो पहले साउथ इंडियन डायरेक्टर है जिनकी मैंने मूवी देखी थी। मूवी का नाम था बिजनेसमैन नंबर वन। मुंबई गए थे ये डॉन बनने के लिए और बहुत ही अच्छी मूवी थी वो। मूवी मैंने 4-5 बार देखी। सिंपल से असलम डॉग मतलब असलम से एरिया में रहते हैं और वहाँ से अपने जर्नी शुरू करते हैं। मतलब वो मूवी मेरे को इतनी अच्छी लगी, वो मैंने 4-5 बार देखी है। और वही मूवी एक रीज़न है जो मैं साउथ की मूवी जितनी ज़्यादा देखता हूँ। बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखे जाके, बहुत अच्छी मूवी है। एक्टर भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर है। और इस मूवी में जो मेन लीड में है अपने हर्ष बाबू है, ये होंगे तो साउथ में और कोई तो मेन लीड में हो नहीं सकता। और जो इसमें इनके स्टारिंग में है महेश बाबू के साथ में है कीर्ति सुरेश एंड सौम्या मेनन। जी हाँ, कीर्ति सुरेश और सौम्या मेनन इस मूवी में इनका साथ दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रेलर कैसा है। वैसे अच्छा ही होना है, महेश बाबू बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन ये मूवी कैसी है, क्या इसका सीन है, क्या कुछ है, चलिए देखते हैं। You can steal my love, ना प्रेम दंगलिंचुकोलो। You can steal my friendship, na sneha ni dongalinchukaro. You can't steal my money. Ammalni appiche valni pamper cheyalra, rough ga handle cheyagoddu. Next, meer oka $10,000 appiste exam fees katti masters lo top score chestanu. Nenu vinnanu, nenu unnanu. ఈ అమ్మాయి విషయంలో మీరేం సార్ ఎంతలా దిగజారిపోయారు? మీరు తప్పితే ఈ భూమి మీద నాకెవరు లేరు. అమ్మ దిగినము యా కిషోర్, మనకైనా మ్యారేజ్ చేసుకునే వయసు వచ్చిందంటావా? ఊరుకోండి సార్, మీకేం పిల్లప్పుడే చిన్నపిల్లడైతే నువ్వు అందరిని ఇలాగే అనుకుంటున్నారే. తీనమ్మా మెయింటైన్ చేయలేక తోల తీరిపోతుంది. అసలు ఎవర్రాను? దిస్ ఇస్ మహేష్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ చాపలపుడ బీచ్ సార్. రాజేంద్ర నాతో రోడ్డు మీద ఆటలాడు. ఏడ్ చేసేస్తావు? ఆయట్ చేసేస్తాడట. అప్ప నేను ఆడపిల్లనంటే సార్, ఇక్కడ ఎవడు బాధ్యత ఆడపిల్ల తండ్రిలా బిహేవ్ చేయట్లేదు. నా దృష్టిలో అప్పు అంటే సెటప్ లాంటిది. ఎందుకంటే ఆడది మరి పెద్ద. ఓ వంద వయగ్రాలేసి శోభనం కోసం వెయిట్ చేస్తున్న పెళ్లి కొడుకు గదికి వచ్చినట్టు వచ్చారు. It's a boy thing. तो दोस्तों, ट्रेलर ने स्टार्टिंग से ही काफी डिशुम डिशुम काफी बहुत ज्यादा हो गई थी। कॉमेडी बहुत है, ये कॉमेडी एक्शन मूवी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इस मूवी का जो पहला डायलॉग था ना कि आप मेरा प्यार छीन सकते हो, मेरी फ्रेंडशिप छीन सकते हो, लेकिन मेरा पैसा नहीं, कुछ अलग था। ठीक है, कभी ऐसा सुना नहीं कि मेन हीरो ऐसी बात कर रहा है, लेकिन ये कुछ अलग था। ये विलेन का डायलॉग होता है मोस्टली फिल्मों में, लेकिन इस मूवी में ये हीरो का डायलॉग। और विलेन को कोई ऐसे नहीं बोलता कि मेरा प्यार नहीं छीन सकते, है ना? ये उसको तो कोई चक्कर ही नहीं है। दोस्ती छीन लो, प्यार छीन लो, लेकिन मेरे पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना। और इस मूवी में बार बार एक रुपया सिक्का दिखाया गया, उस पर स्पेशल फोकस डाला हुआ है। पैसा ही सब कुछ है इस मूवी में। और इस मूवी का ट्रेलर देख के हमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स का भी कुछ ना कुछ रोल है। ठीक है, इस मूवी में फाइट सीन तो अच्छे हैं, पॉलिटिक्स का भी कुछ रोल है इस मूवी में अलग सा।
कैसा लगा आपको? मतलब मेरा ना पता नहीं क्या करता है, मैं इसकी लैंग्वेज पे चली जाती हूँ, आंगड़ा पांगड़ा सब कुछ करते हैं, इतना क्यूट लगता है, कसम से मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे को ना मतलब समझ तो आ रहा था नीचे वो सब टाइटल देख के, तो मेरे को कॉमेडी तो बहुत अच्छी लगी इसकी, है ना? कॉमेडी बहुत अच्छी। हाँ मतलब जो लव स्टोरी भी थी इसमें, ऐसा नहीं कि इसको प्यार नहीं, तो क्या पता ऐसा कि लास्ट में जाके मम्मी को छोड़ दे। पर ये कि भी इसकी जो रोमांस वाला जो सीन था ना, रोमांस वो बड़ा क्यूट सा था, वो बड़ा अच्छा था, और कॉमेडी तो बहुत अच्छी थी। और एक बात की तरफ खास तौर पे मेरा ध्यान गया कि महेश बाबू की पहली मूवी जो मैंने देखी थी वो बात है 6-7-8 साल पहले की, और ये पहले से भी यंग लग रहे हैं इस मूवी में, सच्चाई में जो कि बिल्कुल यंग एज की मूवीज है ना, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। दिखाऊंगा आपको मैं मूवी, इनके पुराने ट्रेलर दिखाऊंगा, नहीं इनके पुराने ट्रेलर दिखाऊंगा, सच में उससे भी यंग लग रहे हैं। तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया नीचे, तो मूवी अच्छी लगी, ट्रेलर अच्छा लगा, सॉरी ठीक है। महेश बाबू एक सुपरस्टार है, और ये मूवी टॉप ट्रेंडिंग मूवीज में, मतलब ट्रेंडिंग में तो टॉप फर्स्ट पे है ये, ठीक है। कल ट्रेलर रिलीज हुआ है और टॉप ट्रेंडिंग वन में चल रहा है, इसके 24 घंटे में 27 मिलियन से भी ऊपर व्यूज हो चुके हैं। है ये इतनी क्यूट सी है, ये क्या क्यूट सी है सुपरस्टार, बहुत बढ़िया है महेश बाबू, तो है देखो इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उससे, ऊपर से देखो एक तो ये है ना कि भी सुपरस्टार अच्छे हैं, लेकिन आगे स्क्रिप्ट कैसी हो, स्क्रिप्ट भी तो बहुत अच्छी है ना। और इसका एक मेन रीजन ये भी है कि ये कोरोना में इनका प्लान था, लेकिन कोरोना की वजह से इनको शूटिंग रोकनी पड़ी, तो वो शूट इनका कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए ये अब रिलीज कर रहे हैं। ये मूवी पहले ही रिलीज हो जाती तो जो फैंस हैं उनका इंतजार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इतने इंतजार के बाद थोड़ी बढ़ जाता है ना कि भाई देखनी है, देखनी, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, तो वही हो रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ गई है फैंस की, वो इंतजार कर रहे थे ईगरली, और एकदम जब ट्रेलर आया तो सबके सब टूट पड़े। और ऐसा भी हो कि सफर का फल मीठा भी होता है, और इनके फैंस नॉर्थ इंडिया में भी है, ठीक है, क्योंकि जी सिनेमा और जी सिनेमा सेट मैक्स ने साउथ की मूवीज इतनी चला दी थी ना, जब तक केबल टीवी था इतनी चला दी डेली साउथ की मूवी, डेली साउथ में एक टाइम पे सूर्यवंशम और एक टाइम पे बैक टू बैक साउथ की मूवी। और अभी अगर आपने नोटिस किया तो ट्रेलर के बाद ना लिखा हुआ था वो जो कोई ऐड थी कि भी इस मूवी के टिकट पे ना 200 हो गए, बुक वाइज हो गए, वो तो हर ऐप पे इतना ही है, लेकिन बाकी मूवी अच्छी होने वाली है, हमें ट्रेलर अच्छा लगा, मैं देखूंगा क्योंकि पहली मूवी इन्हीं की देखी थी मैंने साउथ, नहीं तो मैं भी देखूंगी, ठीक है। अगर आपको भी ट्रेलर अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर देखें, अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको किसी और वीडियो का ट्रेलर चाहिए तो वो जरूर मेंशन करें। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में हमें सनाया अग्रवाल ने बोला था कि इस वीडियो का रिएक्शन करो, ऐसे तो हमें वैसे भी करना था क्योंकि एक दिन पहले ट्रेलर आया, लेकिन उन्होंने भी बोला था, तो उनका नाम भी हम जरूर मेंशन करेंगे, सनाया अग्रवाल जी ने बोला था कि भाई इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन जरूर करो। गाइस जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब करो, फिर मैंने एक और न्यू चैनल ओपन करना व्लॉगिंग का, ठीक है दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर बनो, तो हमें सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और इसी के साथ हम वीडियो करते हैं यही खत्म, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।